मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सार्वनिक चैप्टर के अंतर्गत उसके गुण से संबंधित कुछ और सवाल पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सार्वनिक के गुण से संबंधित, पिछले दिनों हमने आप लोगों को सार्वनिक के गुण से संबंधित एक सवाल बताया था, जिसको हमने 12 तरीके से बताया था और उस पर आधारित कुछ वर्क्स भी दिया गया था। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने अपने अपने वर्क्स पूरे कर लिए हैं, किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी। तो आज हम लोग कुछ और सवाल पर डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज का प्रयोग करते हुए उसको प्रूव करते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। देखिए, सार्वनिक के क्वेश्चन है, सार्वनिक के गुणों का प्रयोग करते हुए साबित करें, सार्वनिक के गुण का प्रयोग करते हुए साबित करना पहला नंबर क्वेश्चन है। 5, 3, 4, 7, 8, 12, 32, 23, 32 इतना बराबर शून्य साबित करना है। तो शून्य साबित करना है, इसको तो आप विस्तार से भी कर सकते हो, बट वो विस्तार नहीं, जब भी गुण का प्रयोग करने वाला कहेगा तो विस्तार के अलावा कुछ अन्य मेथड का प्रयोग करके हम लोग वर्क करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रूफ करना है उस पे LHS पर चलते हैं। LHS बराबर 5, 3, 4, 7, 8, 12, 32, 23, 32। देखो, सबसे पहले क्या करो, ये तीसरा नंबर कॉलम में दूसरा नंबर कॉलम को घटा दो, यानी ये लिखते हैं C3 के लिए C3 घटाओ C2। पहला में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, 5, 3, 4 उतार दिए। दूसरा में भी कुछ नहीं कर रहे हैं, 7, 8, 12 उतार दिए। तीसरा में हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि तीसरा कॉलम में दूसरा को घटा रहे हैं, इसमें इसको घटा रहे हैं। तो 32 में 7 गया 25, 23 में 8 गया 15, 20 में 12 गया 20 बचा, राइट है। अब देखो, इस तीसरा कॉलम से कुछ कॉमन आ रहा है, 5 का पहाड़ ये 3 आ जाता है, तो 5 कॉमन ले लिए, 5, 3, 4, 7, 8, 12, 25, 5 + 15, 5 + 20। और आपको एक प्रॉपर्टी बताए थे कि यदि दो कॉलम या दो रो सब प्रत्येक सदस्य समान हो तो उसका मान शून्य होता है। 5, 3, 4, 5, 3, 4 पहला और तीसरा कॉलम समान है तो इसका मान शून्य, तो 5 × 0 = 0 प्रूव हो गया। यहां वजह लिख देंगे, चूंकि कॉलम 1 = कॉलम 3, समझ गए। तो ये था पहला क्वेश्चन प्रॉपर्टीज का प्रयोग करते हुए प्रूव करने वाला। चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। सारा प्रूफ डेटी है, ए बी सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ए प्लस बी, 1, 1, 1 = 0 साबित करना है। क्या साबित करना है? 0 साबित करना है। आप ध्यान रखो, हमेशा जब भी 0 साबित करने के लिए रहे ना, तो आप ये प्रयास करो कि किसी तरह से उसका दो कॉलम या फिर दो रो समान हो जाए, बस ये प्रयास करो। तो देखो, यदि हम पहला कॉलम में दूसरा कॉलम को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, या दूसरा में पहला को जोड़ते हैं, तो क्या होगा, बीसी तो है इसके पास, पहले कॉलम पहला में ही जोड़ते हैं, ए तो है, बीसी आ गया, एबीसी हो गया इसके पास, बी था पहले से सी आ गया, एबीसी यहां भी हो गया, सी था पहले से ए बी आ गया, एबीसी यहां भी हो गया।
इसका मतलब यदि पहला कॉलम में दूसरा कॉलम को जोड़े हैं तो एबीसी यहाँ तीनों के पास आ जाएगा और एबीसी एबीसी कॉमन ले लेंगे तो इसका मान कितना बचेगा, एक बचेगा। तो चलते हैं सबसे पहले एलएचएस से ए बी सी बी प्लस सी सी प्लस ए ए प्लस बी वन वन वन। तो क्या करते हैं कॉलम वन के लिए कॉलम वन प्लस कॉलम टू करते हैं तो जोड़ते हैं ए में बी सी जोड़ेंगे तो ए जोर बी जोर सी, बी में सी ए जोड़ेंगे बी जोर सी जोर ए, सी में ए बी जोड़ेंगे तो सी जोर ए जोर बी, बी प्लस सी सी प्लस ए ए प्लस बी और ये हो गया वन वन वन। ठीक है तो देखो ए बी सी ए बी सी ए बी सी तीनों के पास उसको हम क्या करें कॉमन ले लेते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी इज कॉमन। तो कॉमन लेने के बाद जब टोटल से कॉमन ले गया क्या बचेगा भाई इसके बदला वन वन वन, बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी वन वन वन। ठीक है तो पहला कॉलम और तीसरा कॉलम समान हो गया तो इसका मान शून्य हो गया तो ये लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी इंटू शून्य, शून्य का बचा दे देंगे ब्रैकेट में सी वन बराबर सी थ्री बराबर शून्य। समझ गए ये दोनों सवाल में प्रॉपर्टीज का प्रयोग हुआ है। ठीक है चलिए नेक्स्ट टाइप के सवाल पर चलते हैं। चलिए तीसरा टाइप के सवाल पर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन वन 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 एक्स इंटू वाई प्लस जेड वाई इंटू जेड प्लस एक्स जेड इंटू एक्स प्लस वाई वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई बराबर शून्य। ये भी साबित करना है क्या करना है साबित करना है और शून्य ही साबित करना है तो इसमें भी एलएचएस से चलते हैं। चलो डायरेक्ट सवाल को हम एलएचएस मान करके चलते हैं एलएचएस राइट। तो सबसे पहला काम तो आप ये करो कि इसको आप गुना कर दो। पहला काम वही करो वन 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 तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड वाई जेड प्लस एक्स वाई एक्स जेड प्लस वाई जेड गुणा कर दिया हमने वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। देखो आप ध्यान से देखना भाई एक्स वाई एक्स जेड यदि जोड़ दें तो वाई जेड हो जाएगा तो एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड इसमें इसी तरह से इसमें भी एक्स वाई वाई जेड है इसको जोड़ेंगे तो जेड एक्स हो जाएगा एक्स जेड वाई जेड है तो एक्स वाई जुट जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यदि कॉलम दो में कॉलम तीन को जोड़ें तो तीनों के पास समान सदस्य हो जाता है मतलब तीनों सदस्य समान हो जाता है। तो हम लोग क्या करें कॉलम टू में वन में नहीं टू में टू के लिए टू प्लस थ्री को एड करते हैं तो ये हो गया वन 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 उतार दिए एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस जेड एक्स एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई तो ये हो गया वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। अब देखो भाई तीनों सेम आ रहा है तीनों कॉमन ले लो ये ऊपर वाला ले लेते हैं कोई एक ठो ले लो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स तीनों कॉमन लिए तो बीच में तो एक ही बचेगा क्योंकि तीनों तो एक ही चीज है भले उल्टा पुल्टा है वाई जेड यहाँ इसमें यहाँ है लेकिन है एक ही चीज तो वन 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 बीच में भी वन 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 लास्ट में वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इंटू जीरो जीरो होने का वजह
कॉलम वन बराबर कॉलम टू, तो जीरो सो किसी को गुना करोगे तो आपका जीरो ही कटेगा। तो ये था आज का तीसरा सवाल, चलो इसको पूरा कर लें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप के सवाल पर, नेक्स्ट सवाल पर। देखो अभी तक हम लोग जितना भी सवाल बना रहे हैं आज, वो सारा का सारा जीरो प्रूफ करने वाला है। क्या प्रूफ करने वाला है? जीरो प्रूफ करने वाला है। चलिए उसी तरह का एक और सवाल लेते हैं, चौथा नंबर। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स बराबर, ये भी जीरो प्रूफ करना है। ठीक है, चलो LHS से चलते हैं। LHS a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, राइट है। चलो देखो इस पे ध्यान से देखो, इसमें अगल बगल या दो को जोड़ने पर कोई विशेष फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन यदि हम इसमें तीन को जोड़ें तो कुछ फायदा हो सकता है। आपको जीरो पुराने का क्या नियम बताया अभी, कि या तो दो को कॉलम को समान कर दो, अभी तक किसी पर प्रैक्टिस कर रहे थे, या दूसरा सिस्टम ये भी होता है किसी एक रो या किसी एक कॉलम का प्रत्येक सदस्य शून्य हो तो उस स्थिति में भी उसका मान शून्य होता है ना। तो देखते हैं कि यदि हम लोग ए बी पी क्यू और एक्स वाई जोड़े तो सब अलग अलग हो जाता है, लेकिन नीचे जोड़े, देखो एक नीचे ए बी में यदि बी माइनस सी प्लस सी माइनस, ये चक्रीय क्रम है, ए बी, बी से शुरू हुआ बी सी, सी से शुरू हुआ सी, ये चक्रीय क्रम में जो घटाव बीच में रहता है तो उसको कैलकुलेट करते हैं तो रिजल्ट जीरो आएगा, ए कट गया, बी बी कट गया, सी सी कट गया, जीरो। तो ऊपर नीचे जोड़ने पर आपका फायदा हो रहा है, अगल बगल नहीं हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, और ऊपर नीचे को हम लोग रो बोलते हैं। अभी तक हम लोग कॉलम पर चल रहे थे, अब रो पर चलते हैं। तो R1 के लिए R1 प्लस R2, ये दोनों से कम नहीं चलेगा, तीनों जोड़ना पड़ेगा। जोड़ते हैं तो इसमें यदि बाकी जोड़ते हैं तो ऐसा होता है ए माइनस बी जोड़ बी माइनस सी जोड़ सी माइनस ए, उसी तरह से पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, ये वाला एक्स माइनस वाई जोड़ वाई माइनस जेड जोड़ जेड माइनस एक्स, ये बाकी बी सी माइनस सी ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए, U माइनस आर, आर माइनस पी, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। हालांकि कुछ बुक में इतना एक्सप्लेन नहीं करता, डायरेक्टली जल्द जीरो लिख देता है, बट आप कर दो तो और बेहतर है, नहीं करो तो भी प्रॉब्लम गलत नहीं है, ठीक वो सब ये कट ही जाएगा। तो इसका मतलब हुआ जीरो जीरो जीरो, बी माइनस सी, सी माइनस ए, यू माइनस आर, आर माइनस पी, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, इसका मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। वजह, चूंकि पहला रो का प्रत्येक सदस्य जीरो है, समझ में आया? चलो इसको भी पूरा कर लो आप। Thank you.
चलिए इसको पूरा कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ये सवाल है जीरो माइनस ए बी, ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो, इतना बराबर शून्य साबित करना। चलो इसमें हम लोग एलएचएस से नहीं चलेंगे, एलएचएस से यदि चलिएगा तो इसको विस्तार विधि से बनाइएगा तो फायदा होगा, नहीं तो इसमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। वैसे कैसे जानेंगे कि इसको विस्तार से बनाए या फिर ऐसे जनरल मेथड से बनाए या फिर कुछ पार्टिकुलर मेथड से बनाए। देखिए आप लोगों को याद होगा, आप लोग इसे पहले जो है मैट्रिक्स चैप्टर जो पढ़ चुके हैं आप लोग सभी, तो उसमें एक अव्यूह था विषम सममित अव्यूह, याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो और अच्छी बात है, उसके बहाने कम से कम आप एक बार देखोगे तो उस चीज को। खैर यदि विषम सममित अव्यूह से संबंधित कोई सारणिक हो और उसको जीरो साबित करना रहे तो उसको एक अलग मेथड से वर्क करते हैं। कैसे करते हैं भाई देख लो भाई, तो पहले ये देखते हैं विषम सममित है कि नहीं। आपको हमने विषम सममित अव्यूह बनाने का तरीका भी समझाया था, एक बार याद दिला देते हैं छोटा सा रिमाइंड। तो देखो इसमें कैसे बताए थे, ये वाला मान और ये वाला मान यानी प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ समान होना चाहिए, चिन्ह विपरीत होना चाहिए, कोना कोनी से तरह से जीरो होना चाहिए। तो जीरो है ये देखो, ए माइनस बी है तो ए प्लस था तो माइनस ए, उसी तरह से बी माइनस था तो यहाँ प्लस बी, तो सेम है चिन्ह विपरीत है, ये कोना कोनी जीरो। बाकी ये दो को जो मान बचा वहां पर जो भी मान रखोगे सेम रखोगे आप, चिन्ह विपरीत मतलब यहाँ सी जग से रखे थे एम रखते तो यहाँ माइनस एम रखना पड़ता, पी रखते तो यहाँ पर माइनस पी रखना पड़ता। ठीक है चलो खैर इसको बनाना कैसे, जीरो प्रूव तो करना ही है तो इसको हम लोग मान लेते हैं इतना बराबर डेल्टा, क्या मान लिए इतना बराबर डेल्टा। अब आप ऐसा करो पहला कॉलम से माइनस कॉमन ले लो, दूसरा से भी माइनस एक कॉमन ले लो और तीसरा से भी माइनस एक कॉमन ले लो, तो माइनस वन और माइनस वन तीनों से माइनस कॉमन लिए। तो पहला से माइनस कॉमन लोगे तो भाई जीरो पर तो कोई असर पड़ने वाला है नहीं, ये ए माइनस था तो ए प्लस हो गया, बी प्लस था तो बी माइनस हो गया, राइट। दूसरे में चलते हैं, ए प्लस था तो ए माइनस हो गया, जीरो का कोई अति नहीं, सी प्लस है तो सी माइनस हो जाएगा, ठीक है। बी माइनस था तो बी प्लस हो जाएगा, सी माइनस था तो सी प्लस हो जाएगा, जीरो का जीरो हो जाएगा, बराबर डेल्टा। अच्छा आप ये भी जानते हो कि इस चीज को यानी सारणिक के मान को परिवर्त के रूप में यदि लिखें तो उससे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यहां पर लिखते हैं परिवर्त के रूप में लेने पर परिवर्त, ये तो बाहर में आप देख रहे हो माइनस गुना माइनस गुना माइनस तो माइनस होगा ही, दिस इंप्लाइज माइनस। परिवर्त मतलब क्या हुआ, ये जीरो माइनस ए माइनस बी प्रथम पंक्ति में जो था वो प्रथम स्तंभ में आ जाएगा, दूसरा ए जीरो सी ए जीरो सी, तीसरा माइनस बी माइनस सी जीरो, इतना बराबर हो जाएगा डेल्टा, क्या हो जाएगा डेल्टा। अब माइनस जो यहां है इसको हम दूसरे साइड भेज देते हैं, ये हो गया जीरो माइनस ए बी
जीरो से माइनस बी माइनस सी, ओ सॉरी, ये ठीक है। अब देखो ये माइनस तो आगे जो हो गया सो ही गया, ये वाला मान को और सवाल को गौर से देखो, यह मान और यह मान में कोई परिवर्तन है? कोई परिवर्तन नहीं है, तो इसके बदला हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल्टा तो माइनस है तो माइनस डेल्टा दोगे, बराबर डेल्टा, डेल्टा माइनस है उधर जाके प्लस, डेल्टा प्लस डेल्टा जीरो बराबर टू डेल्टा, टू इधर गुना इधर जाके भाग हो जाएगा, डेल्टा जीरो बटे दो, यानी डेल्टा बराबर हो गया बराबर जीरो। यही तो प्रूव करना था, चलो इसको भी लिख लो भाई। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको मिटाते हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। साबित करें y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, एम प्लस एन, एन प्लस एल, एल प्लस एम, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ए प्लस बी बराबर टू इंटू एक्स वाई जेड एल एम एन ए बी सी, ये साबित करना है। ठीक है चलो एलएचएस से चलते हैं, ये तो आपका सवाल हो गया, लिख लो सवाल को पहले आप अच्छे से। चलिए एलएचएस से चलते हैं, ये रहा एल एच एस, इसको मिटा रहे हैं हम। चलो तो सबसे पहले यहां हम राइट साइड इधर लिख देते हैं कुछ रिमाइंड कराने के लिए, एक्स वाई जेड एल एम एन ए बी सी। सबसे पहले जो इसमें साबित करना है उसमें आगे में क्या होना चाहिए? टू होना चाहिए, आगे में टू होना चाहिए। तो टू होना चाहिए, तो आप देखो यदि हम अगल बगल जोड़ते हैं तो कुछ फायदा टू नहीं होगा, लेकिन यदि हम ऊपर नीचे जोड़ते हैं तो वाई दो गो, जेड दो गो, एक्स दो गो, एम दो गो, एन दो गो, एल दो गो, बी दो पीस, सी दो पीस, ए दो पीस होता है ना, तो ऊपर नीचे जोड़ देते हैं, तो ऊपर नीचे को हम लोग रो कहते हैं भाई। तो आर वन के लिए आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है चलो जोड़ते हैं। तो जोड़ने पर डायरेक्ट रिजल्ट लिख दो, पहले x दो लिखते हैं, तीनों दो दो हो जाता है, तो 2x प्लस 2y प्लस 2z, z प्लस x, x प्लस y, इधर भी दो गो l प्लस 2m प्लस 2n, n प्लस l, l प्लस m, 2a प्लस 2b प्लस 2c, c प्लस a, a प्लस b होता है। चलो अब देखो दो इसके पास भी है ना, दो ओवरऑल दो है, इसमें भी ओवरऑल दो है और इसमें भी ओवरऑल दो है, तो दो को हम लोग क्या करें? कॉमन ले लें। दो को यदि हम लोग कॉमन ले लें तो इसके पास एक्स वाई जेड बचता है, एक्स जोड़ वाई जोड़ जेड, इसमें भी दो कॉमन ले लें, एल जोड़ एम जोड़ एन, इसमें भी दो कॉमन ले लें तो ए जोड़ बी जोड़ सी,
ठीक है, दो कॉमन ले लिए, ठीक। जो बचा उसको लिखते हैं जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, एन प्लस एल, एल प्लस एम, सी प्लस ए और ए प्लस बी, ठीक है। अब देखो, यदि हम लोग पहला पंक्ति में दूसरा पंक्ति को घटा दें, पहला पंक्ति में दूसरा पंक्ति को घटा दें, तो एक्स जेड से एक्स जेड निकल गया, खाली वाई बचेगा, एन एल निकल गया तो एम बचेगा, सी ए निकल गया तो बी बचेगा, है ना। तो इसका मतलब ऊपर वाला में यदि नीचे वाला को घटाएं तो ऊपर वाला के पास केवल एक सदस्य बचेगा, और एक सदस्य टोटल हमको एक सदस्य ही चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम लोग क्या करें कि ऊपर वाला में यानी रो वन में रो टू को घटा देते हैं। चलो उसको घटाते हैं, पहले डायरेक्ट रिजल्ट लिख दो, जेड एक्स खत्म हो गया तो इसके पास वाई बचा, एल एन खत्म हो गया तो इसके पास एम बचा, ए सी खत्म हो गया तो इसके पास बी बचा, ठीक है। चलो अब लिखते हैं जो बचा, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, एन प्लस एल, एल प्लस एम, सी प्लस ए, ए प्लस बी, ठीक है। चलो अब देखो क्या करें, एक पहला का तो शुरुआत हो गया, एक सदस्य मिल गया, टोटल में एक हक्के को सदस्य चाहिए। अब देखो भाई, एक को सदस्य है, इसको दो को बला में घटा दे तो एक उसके पास बच जाएगा, लेकिन घटाएंगे जिसमें उसमें जिसमें उसी में जिसमें फायदा होगा, इसमें घटाओगे तो कुछ फायदा होगा, कुछ नहीं कटेगा, लेकिन नीचे वाले में ऊपर वाले को घटाते हो तो एगो वाई, एगो एम, एगो बी कट जाएगा। इसका मतलब तीसरा कॉलम के, तीसरा रो के लिए, चूंकि नीचे ऊपर नीचे घटा रहे हैं तो उसको पंक्ति बोलेंगे, तो तीसरा पंक्ति में पहला पंक्ति घटा देंगे। चलिए यहां पर आप चलते हैं, तो तीसरा पंक्ति के लिए तीसरा में पहला को घटा देंगे, तीसरा में पहला को घटा देंगे, यहां दो है, बराबर हो गया आपका टू इंटू, देख लो क्या हो जाएगा, वाई एम बी, जेड प्लस एक्स, एन प्लस एल, सी प्लस ए, घटाते हैं, y खत्म, इसका m खत्म, इसका b खत्म, तो बचेगा x, l, a, ठीक। अब ये तीसरा पंक्ति को दूसरा में घटा देते हैं, तीसरा को क्या करें दूसरा में घटा देते हैं, तो तीसरा को यदि दूसरा में घटाएंगे तो c2 के लिए c2 घटाओ c3, है ना, घट जाएगा x x, l l, a a, तो ये हो गया टू इंटू वाई एम बी, एक्स इसका घटा तो इसके साथ जेड बचा, इसके साथ एन बचा, इसके साथ सी बचा, एक्स एल ए बचा, ठीक है। अब सब तो पुर गया भाई, टू और टू इंटू सिंगल सदस्य, अब एडजस्टमेंट करना है। तो आपको पता है कि दो पंक्ति या दो स्तंभ को एक दूसरे के स्थान पर लाने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये प्रॉपर्टी आपको लिखाया गया था कि एक दूसरे के स्थान पर लाने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, बस चिन्ह विपरीत हो जाता है। तो हम ऐसा करते हैं, क्योंकि एक्स जो साबित करना था सबसे ऊपर था, तो इस एक्स का ऊपर होना जरूरी है, तो ये x वाला टर्म है तीसरा पंक्ति में और ये वाला दूसरा पंक्ति पहला पंक्ति में है, तो पहला तीसरा को हम लोग एक दूसरे से इंटरचेंज कर देते हैं, पहला को तीसरा की जगह, तीसरा को पहला की जगह, ऐसा करने से चिन्ह जो है वो निगेटिव हो जाएगा। अब x l a ये ऊपर चला जाएगा, y m b नीचे चला जाएगा, बीच में जो है वो ऐसा ही रहेगा, ठीक। अब आप चाहते हो जो साबित करना था उसमें y बीच में होना चाहिए, तो अब दूसरा तीसरा को प्लेस करोगे तो फिर एक माइनस से गुना होगा, माइनस दो ये है, फिर से माइनस से गुना हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा एक्स एल ए वाई एम बी जेड एन सी, माइनस गुना माइनस प्लस लास्ट में टू इंटू एक्स वाई जेड एल एम एम ए बी सी, यही आपको प्रूफ करना था। तो लिख लीजिए इसको, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स वाई इंटू एक्स जेड, फिर दूसरे में एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर वाई जेड, तीसरे में एक्स जेड वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर बराबर चार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये आपको साबित करना है। आज का लास्ट सवाल प्रैक्टिस है, चलिए लिख लिए। चलिए एलएचएस से चलते हैं, इसको मिटा रहे हैं, चलो ये मिटा दिए, एलएचएस से चलते हैं। तो क्या होगा भाई, पहला में x x x कॉलम में x मिल रहा है, दूसरा कॉलम में y y y मिल रहा है, तीसरा कॉलम में z z z मिल रहा है। तो हम क्या करें, x y z को कॉमन ले, तो पहला से x खत्म हो गया तो ये बचेगा माइनस x y z, x खत्म, बीच से y खत्म तो x माइनस y z, लास्ट से z खत्म तो x y माइनस जेड, राइट है। चलो अब देखो ये एक्स मिल रहा है, बीच में वाई मिल रहा है, लास्ट में जेड मिल रहा है, तो एक्स वाई जेड तो खैर है ही, ये एक्स बीच वाले से वाई और लास्ट वाले से जेड, मतलब एक बार जो है ऐसे कॉमन ले रहे थे कॉलम में और एक बार रो में कॉमन ले रहे हैं, तो इसका एक्स खत्म हो गया एक बचेगा, इसका y खत्म हो गया यानी y कॉमन आ गया एक माइनस एक एक, इसका z खत्म हो गया एक एक माइनस एक, ठीक। अब इसको आप विस्तार कर सकते हो छ में से किसी के सापेक्ष, और विस्तार यदि नहीं करना है तो इसका एक उपाय है कॉलम वन में कॉलम टू को जोड़ दो या फिर रो वन में रो टू को जोड़ दो। तो हम कॉलम में ही वर्क करते हैं, कॉलम वन के लिए कॉलम वन प्लस कॉलम टू, ये तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हुआ ही, कॉलम वन में कॉलम टू को जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं, तो एक में माइनस एक में एक जोड़ेंगे जीरो, एक में माइनस एक जोड़ेंगे जीरो, और एक एक दो, एक माइनस एक एक, एक एक माइनस एक। आपको बताया ना हम यहाँ पर कि आप चाहे तो यहाँ विस्तार कर सकते हो तो भी आपका आंसर पूरेगा, लेकिन हम थोड़ा सा सस्ता विधि बता रहे हैं जिसमें आपको एक चीज बताए थे कि यदि किसी एक कॉलम या किसी एक रो में दो गो सदस्य शून्य हो, क्या दो सदस्य, दो सदस्य शून्य हो तो उसमें जो बचा हुआ सदस्य उसी के सापेक्ष विस्तार कीजिए। तो बचा हुआ सदस्य इसमें देखो भाई, पहला कॉलम में ये दो गो जीरो है तो सिर्फ दो के सापेक्ष विस्तार करेंगे, जीरो को जीरो से तो गुना होके ऐसे खत्म हो जाएगा, तो ये दो के सापेक्ष विस्तार करेंगे, याद होगा दो के सापेक्ष विस्तार करने का मतलब दो का चिन्ह पहले, यहाँ का चिन्ह प्लस ही होता है क्योंकि दोनों कोना का चिन्ह प्लस होता है, तो प्लस दो के सीधा अपना नहीं लिखिएगा, एक माइनस एक एक एक, ये हो गया, दो को आगे कर दें दो
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसको कोना कोनी गुना एक माइनस दिए, कोना गुना कीजिएगा तो माइनस एक माइनस माइनस प्लस एक, यानी ये हो गया। चलो बगल में ही लिख देते हैं इसको, बराबर ये हो गया टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू टू, दो दूनी चार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यही प्रूफ करना था। समझ के बात को, चलिए तो इसको आप लोग पूरा कर लीजिए। तो कल आप लोग वर्ग के रूप में पूरा कर लीजिएगा, 4.2 का एक से लेकर के 6 नंबर तक, बल्कि एक से लेकर के 7 नंबर तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। 4.2 का एक से लेकर के 7 तक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।